అదిగో అదిగదిగో అదిగో పట్టుల్లా కార్తికన్న వస్తున్నాడదిగో అదిగదిగో 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 అదిగో ఇంద్రన్న ఆశయాల వారసుడే అదిగో కాంగ్రెస్ ఎండబట్టి పల్లె పల్లెకొస్తుండు జనం గుండె చప్పుడయ్యి మన మధ్యకు వస్తుండు ఆతుడయ్యి కన్నీళ్లను తుడువగా వస్తుండు నేను నాని భరోసనివ్వగా వస్తుండు అమ్మా సవితమ్మతో మన ఇంటికి వస్తున్నాడు అదిగదిగో 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 అదిగో పట్టుల కార్తికన్న వస్తున్నాడు అదిగో అదిగదిగో 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 అదిగో ఇంద్రన్న ఆశయాల వారసుడే అదిగో ఎండబట్టి పల్లె పల్లెకొస్తుండు జనం గుండె చప్పుడయ్యి మన మధ్యకు వస్తుండు ఆతుడయ్యి కన్నీళ్లను తుడువగా వస్తుండు నేను तो समझ जाओ 100 गज के पट्टे हम आपको दे दिए 15,000 का पकड़ो कितना हो गया एक प्लॉट 15 लाख अम्मा ये समझो आप सब गरीब को हम 100 गज के पट्टे देंगे अब ये टीआरएस वालों का बात में हमको जाओ मजलिस वालों के बातों में मत नको जाओ आप सीधा वोट कांग्रेस को डाल रहे हैं समझ जाओ आपको 100 गज के पट्टे चाहिए और दूसरी चीज मुसलमान बच्चे पढ़ना चाहिए मुसलमान बच्चे प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बाकी के बच्चों बाकी मजहब के बच्चों की तरह खासकर पढ़ना चाहिए वो बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में हो ऑफिसों में काम करना चाहिए उसके वास्ते मैं बताता हूँ कि मुसलमान बच्चे जो अपने एरिया जो राजमर हल्के में जो जो भी गरीब मुसलमान खानदान के बच्चे पढ़ना चाहते उनका 500 लेके 10 क्लास तक आधी की आधी स्कूल फीस मैं दूंगा ये मैं आपको जबान देके जाता हूँ इलेक्शन में पूरा रायमर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पार्टी का लहर चल रहा है मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ यूसुफ और उनके दोस्तों को जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए ऑफिस खुले आज अपनी हालात यहाँ के बदलना है तो हुकूमत बदलो यहाँ का एमएलए कोई काम का नहीं ना कोई काम का रहने वाला है मैं आपका भाईजान हूँ आपके बीच में रहने वाला हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ रहो और खुद की तरक्की करो शुक्रिया रायनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे भाई बहन ये बात समझते हैं कि ये वक्त अपनी वोट बेकार नहीं होना चाहिए दो वक्त भी अपनी वोट गई मजलिस को और यहाँ पे एमएलए जीता बीजेपी का टीएमसी का 2018 में ये खासकर मेरी बात सुनो इंशाल्लाह ताला आपकी वोट जाएगी कांग्रेस को और यहाँ का कांग्रेस उम्मीदवार जाएगा असेंबली को ये बात आप याद रखना और दूसरी बात खासकर सुनो टीआरएस पार्टी का वोट देने की मतलब आपकी वोट जाएगा सीधा मोदी को 5 साल में कभी भी एक वक्त ये बता दो मेरे भाई कभी केसीआर ने एक अल्फाज बुरा बोला क्या मोदी के खिलाफ कोई बोला पार्लियामेंट को वोट देता ही मोदी को जीएसटी का वोट गया मोदी को नोटबंदी का वोट गया मोदी को प्रेसिडेंट इलेक्शन का गया वोट मोदी को राज्यसभा इलेक्शन में वहां का स्पीकर के इलेक्शन में गया वोट मोदी को आज समझ जाओ आप बताओ अगर मुसलमान टीआरएस को वोट डालेगा तो टीआरएस मोदी को वोट डालेगा तो अपना वोट कहां जा रहा कहां से आप कांग्रेस पार्टी को जिताओ खुद की जीत बनेगी आपका हालात बदलना हो
तो हुकूमत बदलोगे बोलते हुए मैं अलविदा कहता हूँ।